हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट डायरेक्शन, डाटा की डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं। तो डाटा की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम आपको लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है और इसमें मैंने पहले से एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है। तो एमएस वर्ड में टाइप किए गए डाटा में टेक्स्ट डायरेक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो टेक्स्ट डायरेक्शन करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके ड्रा करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स ये होता है, ये आप देख पा रहे हैं माउस पॉइंटर जब आप वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर उस बॉक्स का, उस जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन का वहाँ पर नाम शो होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके ड्रा करते हैं। अब टेक्स्ट डायरेक्शन से आपको पहले क्लियर हो रहा है, टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब डाटा का डायरेक्शन चेंज होगा। तो डाटा हमें टाइप करना होगा, मान लो कोई भी नाम हमने टाइप कर दिया, राहुल यादव मैंने टाइप कर दिया, इसका मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक टेक्स्ट डायरेक्शन वाली बटन है, इस बटन के माध्यम से भी आप डाटा का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए डाटा का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यदि ये बटन यहाँ पर नहीं है तो आप इस बटन को शो भी करा सकते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा इस बटन को कैसे शो कराया जाता है। बाकी मैं आपको मीनू बार के द्वारा भी बता रहा हूँ कि मीनू बार के द्वारा कैसे इसको आप टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो मीनू बार में सबसे पहले आप फॉर्मेट वाले, ये जो फॉर्मेट का मीनू बार है, इस फॉर्मेट वाले मीनू बार पर जाएंगे। इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्ट, या आप टेक्स्ट डायरेक्शन वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस टेक्स्ट डायरेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, किसी एक डायरेक्शन स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक डायरेक्शन स्टाइल, और ओके करते हैं। तो सेलेक्ट की गई स्टाइल के अनुसार कर्सर के साथ डाटा का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देखिए अभी फिर से देख लीजिए, फॉर्मेट वाले मीनू बार पर जाएंगे, इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन, फिर कोई दूसरी डायरेक्शन स्टाइल ले लो। मैंने पिछली बार वही डायरेक्शन स्टाइल लिया तो डाटा का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मैंने इस बार नेक्स्ट डायरेक्शन स्टाइल ले लिया है, कोई दूसरी डायरेक्शन स्टाइल, उस डायरेक्शन स्टाइल को सिलेक्ट करिए और ओके करिए। ये देखिए आप डाटा का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को पहले आप ड्रा कर लीजिएगा, तो टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा होने के बाद ही ये ऑप्शन आपको शो होगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट ड्रा कर लेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके आप ऐसे ड्रा कर लेंगे, फिर इसमें आप जो भी डाटा टाइप करेंगे उसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। जो भी मैंने विधि बताई है, इस विधि से आप उस डाटा का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इजी है, आपको मैं ये ऑप्शन भी शो करना बताऊंगा, सारे ऑप्शन मैं क्लियर कर दूंगा आप।